नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पापड़ की बिल्कुल नई रेसिपी। इससे पहले आपने बहुत बार इस रेसिपी को बनाए होंगे, लेकिन आज का जो तरीका है थोड़ा नया है, तो इस तरीके से शायद ही बनाए होंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको जरूर पसंद आएगा। और गर्मी के मौसम में खासकर इस रेसिपी को हर घर में बनाया जाता है और सभी कोई को ये बहुत ज्यादा पसंद भी होता है, बड़े हो या बच्चे हो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पापड़ लिया है रेसिपी के लिए। आप अपने आवश्यकता अनुसार से पापड़ ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दो पापड़ के अनुसार सारे चीज इसमें ऐड करूंगी। तो आप चार लेंगे तो उस सारी चीज को डबल करके ले लीजिएगा, एक लेंगे तो आप आधा कर लीजिएगा, जितना सामग्री मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो अभी हमें रखना है पापड़ को साइड में, और यहाँ पर आप कोई भी एक कटोरा ले ले, छोटा बड़ा, और इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच के जितना चने का बेसन। दो पापड़ के लिए ले रही हूँ सामग्री, तो यहाँ पर 2 चम्मच होगा, जो घर का छोटा वाला चम्मच है ना, तो उससे ये 2 चम्मच ही होगा। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, पानी बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक बार इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखिएगा बेसन हमें बहुत ज्यादा गीला गीला सा नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है बेसन घुल चुका है। अभी इसमें कुछ मसाले ऐड करने होंगे, तो चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो इसमें डाली हूँ लाल मिर्ची पाउडर, साथ में डालेंगे थोड़ा सा धनिया और जीरा का पाउडर। सारे मसाले थोड़े थोड़े से हमें ऐड करने हैं। साथ में डालेंगे काली मिर्च 1 पिंच, और इसके साथ ही डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और साथ में डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। अब सारे मसाले को फिर वापस से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे बेसन के अंदर। और जब मसाला इसमें गया है तो देखिए जो भी बेसन हल्का सा पतला लग रहा था वो भी गाढ़ा हो गया है। और इसमें नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि पापड़ में खुद बहुत ज्यादा नमक होता है, जितना खाने लायक नमक हो उतना पापड़ के अंदर होता है, तो इसमें नमक नहीं डालेंगे। कुछ इस तरीके का ये घोल हमारा तैयार हो गया है। अभी इसको रखेंगे साइड में, और यहां पर ले लेना है पापड़ को, एक एक पापड़ करके लेंगे। और इसमें क्या करेंगे कि ये बेसन वाला जो घोल है, सारे घोल को एकदम पतला लेयर करके इसमें लगाएंगे। बहुत अच्छे से लगाना है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं करना है, बस पतला सा लेयर इसके अंदर लगा देना है। चारों तरफ अच्छे से लगाइए, लेकिन बहुत ज्यादा मोटा नहीं करना है, बहुत ज्यादा मोटा करेंगे तो फिर पापड़ जो है फूल जाएगा। इस तरीके से बहुत अच्छे से लगा देंगे, और दोनों पापड़ में हमें इसी तरीके से बेसन का लेयर लगा देना है। बहुत ही सिंपल रेसिपी बनने वाली है फ्रेंड्स, लेकिन खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। इसी तरीके से इस पापड़ में भी अच्छे से बेसन को लगा देंगे। और ये मसाला पापड़ है, इसमें पहले से बहुत ज्यादा मसाला मसाला सा लग रहा है, दिया हुआ है। और ये मूंग दाल के पापड़ हैं, आप कोई सा भी पापड़ से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों पापड़ में बहुत अच्छे से मसाले को लगा ली हूं, बेसन को। तो यहाँ पर तवा को चढ़ा ली हूँ चूल्हे पर, तवा अच्छे से गर्म हो गया। इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, और घी को अच्छे से चारों तरफ तवा पे फैला देंगे। बस थोड़ा सा ही डालना है, बहुत ज्यादा नहीं डालना है हमें घी, और अच्छे से फैला देंगे जिससे कि घी चारों तरफ हो जाए तवे पर। अब इसके ऊपर डालेंगे ये वाला पापड़ को, तो जिधर से बेसन लगा है उसको ऊपर रखेंगे, और जो खाली वाला है उसको नीचे रखेंगे, और हल्का सा इस तरीके से दबाते हुए पापड़ को रोस्ट करेंगे। इसके साथ साथ बेसन भी अच्छे से पक जाएगा,
और मसाला जो है वो भी पापड़ में स्वाद आ जाएगा, बेसन का और मसाले का सारा इसमें स्वाद आ जाएगा बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से हमें पापड़ को घुमाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेना है। दोनों पापड़ को सेम तरीके से हम तैयार करेंगे। अब पापड़ को दूसरे तरफ से पलट के थोड़ा सा इसको इधर से भी सेकना है। फ्रेंड्स आप पूरे वीडियो देखिए और एक बार ये तरीका अपना के देखिएगा, घर में सभी कोई खाएंगे बहुत चाव से। इसी तरीके से हल्का हल्का सा आंच को मीडियम रखना है और अच्छे से पापड़ को रोस्ट करना है। देखिए पापड़ जब रोस्ट होगा मसाला वाला तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, बहुत ज्यादा करा करा भी नहीं रहेगा और बहुत ज्यादा ये सॉफ्ट भी नहीं होगा। तो एक पापड़ हमारा तैयार हो चुका है, देख पा रहे हैं। इसी तरीके से हमें दोनों पापड़ को तैयार कर लेना है। दोनों पापड़ हमारा रोस्ट हो चुका है, अब इसको ठंडा करने देना है। जब ये ठंडा होगा तो ये खस्ता हो जाता है, बहुत अच्छे से ये खस्ता हो जाएगा। देखिए जब तक पापड़ हमारा ठंडा हो रहा है तब तक चलिए इसकी तैयारी कर ली जाए। तो यहाँ पर दूसरा बर्तन एक ले लीजिए और इसमें डालना है हमें दही। दही बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, यदि बहुत ज्यादा खट्टा है तो आप मात्रा कम कर दीजिएगा। और दही को पहले अच्छे से एक बार फेंट लेंगे, जो इसका दाना दाना सा है वो खत्म हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दही जो है अच्छे से फेंट गया है और बाद में इसे और थोड़ा सा फेंट लेंगे। पहले इसमें बाकी का चीजें डाल दूं। दही के अंदर हमें डालना होगा कुछ मसाले, जैसे कि इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर और साथ में डालेंगे हल्दी पाउडर थोड़ा सा, और साथ में डालेंगे यहाँ पर धनिया और जीरा का पाउडर एक चम्मच भर के, और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। मसाला बहुत कम कम डालिएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसमें डालेंगे थोड़ा गरम मसाला स्वाद के लिए। आप चाहें मन है तो डाल लीजिए, नहीं मन है तो इसके बिना भी बना सकते हैं। अब सारे मसाले को दही के साथ एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जो बचा हुआ बेसन वाला पेस्ट है इसमें ही आप इस्तेमाल कर लीजिएगा क्योंकि बेसन भी बहुत कम ही बनाई थी। तो चलिए इसमें डाल देती हूँ बेसन वाला बचा हुआ जो पेस्ट है मसाले के साथ ही, और इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। दही का दाना दाना जो रहता है वो नहीं रहना चाहिए, वो रहेगा तो फिर आपकी रेसिपी बिगड़ सकती है। तो देखिए अभी जो दही वाला मसाला है हमारा बहुत अच्छे से बनके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर कढ़ाई को चढ़ा ली हूँ और कढ़ाई थोड़ा सा गर्म हो जाना चाहिए। इसके बाद इसमें डालेंगे सरसों का तेल, और तेल को बहुत अच्छे से धुआं धुआं गर्म करना है क्योंकि सरसों का तेल यदि कच्चा रहेगा तो फिर फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। तेल गर्म हो गया, इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, दो तेज पत्ता, एक चुटकी डालेंगे इसमें हींग, हींग जरूर डालिएगा अच्छा फ्लेवर आता है इससे। साथ में डालेंगे बारीक कटा लहसुन, प्याज, अब इसके साथ ही डाल देती हूँ तीन से चार हरी मिर्ची को इस तरीके से कटा हुआ करके, और अदरक का टुकड़ा एक इंच अदरक का टुकड़ा को कद्दूकस करके इसमें डालेंगे, और सारी चीज को अच्छे से पकने देंगे। प्याज का कलर जो है गोल्डन सा होने देना है, बहुत ज्यादा जलाना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। तो अभी क्या करेंगे, इसके अंदर जो दही वाला मसाला वाला जो घोल तैयार की थी इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर देंगे और इसको डालेंगे। अब गैस के फ्लेम को हाई रखिएगा, जब आप इसमें दही वाले मसाले डाल रहे हैं तो गैस के फ्लेम को हाई रखिएगा और इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। अब इसमें डालेंगे गर्म पानी, इसके अंदर ठंडा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, गर्म पानी डालिए और अच्छे से मसाले को मिक्स करना है।
अब इसमें ढक्कन लगा के इसको अच्छा से पकने देंगे, जो मसाला वगैरह जो कच्चा है, पानी सारा चीज अच्छे से पक जाए। जब तक ग्रेवी उबल रहा है तब तक पापड़ देखिए अच्छा खस्ता हो गया है। अब पापड़ को हमें छोटा छोटा टुकड़ा में कट कर लेना है, तोड़ लेना है। आप इसका टुकड़ा जो है आप छोटा बड़ा जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं। इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा हमें सारे पापड़ को तोड़ लेना है। और जो बेसन लगा हुआ रहता है पापड़, तो ये बहुत ज्यादा गलेगा नहीं ग्रेवी के अंदर जाके। इसके लिए इसमें थोड़ा सा देखिए बेसन लगा देने से पापड़ हमारा थोड़ा मोटा भी हो गया है, और जब इसको ग्रेवी में डालेंगे तो एकदम से ये गल के बराबर नहीं होगा, बहुत अच्छा से खिला खिला सा पापड़ लगेगा। तो इसके लिए इसमें बेसन और मसाला डाल के तैयार की है। थोड़ा अलग टाइप का इसका स्वाद भी आ जाता है, तो आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की आगे भी अच्छे अच्छे से रेसिपी लेके आगे आती रहूंगी, तो आप लोग हमारे सारे वीडियो को देख पाएंगे। इसके लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। ग्रेवी बहुत अच्छे से उबल गया है और अच्छे से पक भी गया है, बिल्कुल भी अभी कच्चा नहीं रहा। तो अभी इसमें डाल देंगे नमक। नमक बहुत कम डालिएगा क्योंकि पापड़ में पहले से नमक होता है। थोड़ा सा नमक डालिए क्योंकि इसमें जो ग्रेवी गया है, मसाला गया है, उसके लिए नमक हमें डालना होगा। अब इसमें डाल देना हमें सारे पापड़ के टुकड़े को। पापड़ डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। और बहुत ज्यादा देर तक इसको पकाएंगे नहीं, बस इतना पकाइए क्योंकि पापड़ में बेसन पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा ये जूसी होगा। साथ में डाल देंगे थोड़ा कसूरी मेथी और गैस को बंद कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा ढक देना है, 5 मिनट इसी तरीके से ढक के छोड़ेंगे। 5 मिनट हो चुका है सब्जी को ढके हुए, और देखिए यहाँ पर बनके तैयार है हमारे बहुत ही ज्यादा चटपटा टेस्टी पापड़ की सब्जी। और इसका बनाने का तरीका कुछ अलग है, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा जैसा पसंद करते हैं डाल लीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।